स्पेन का इतिहास और कैसे हुई इसकी शुरुआत, कलम या फिर आधुनिक पेन जिसका इस्तेमाल आज हम लिखने के लिए करते हैं और यह हर किसी के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। पेन की सहायता से न सिर्फ शब्दों को स्वरूप दिया जाता है बल्कि अपनी कल्पना और विचारों का उल्लेख किया जा सकता है। यह मनुष्य को शिक्षित बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। कलम या फिर आधुनिक पेन की वजह से ही आज हमें इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पता लग सके हैं और इसके साथ ही इससे हमें अपने पूर्वजों की जानकारी भी मिली है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि हिंदू धर्म का महाकाव्य महाभारत लिखने के लिए गणेश जी ने कलम का आविष्कार किया था। पेन का इतिहास काफ़ी दिलचस्प और रोचक है, आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। महाभारत से जुड़ा है पेन का इतिहास। कलम और आधुनिक पेन ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े दो महाकाव्यों में से एक महाभारत की रचना के लिए श्री गणेश जी ने अनोखी कलम का आविष्कार किया था। दरअसल जब महान ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत को अपने लिपिक गणेश जी से लिखवाना शुरू किया तो गणेश जी ने वेद व्यास जी से बिना रुके महाभारत लिखने की शर्त रखी और इसके बाद गणेश ने अपना एक दांत तोड़कर नुकीले भाग से ताम पत्रों पर लिखना शुरू किया और इस तरह महाभारत जैसे महाकाव्य को पूरा किया। अगर श्री गणेश की कलम की बात छोड़ें तो ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे पहली कलम की शुरुआत मेसोपोटामिया जो कि आज इराक में है, वहाँ के निवासियों ने करीब 5000 साल पहले कलम की शुरुआत की थी। भारत में कलम और आधुनिक पेन की शुरुआत करने का क्रेडिट करीब 5000 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के रहने वाले लोगों को दिया जाता है। करीब 3000 लेख युग मोहरे उस समय सिर्फ मोहनजोदड़ो शहर से मिली थी। इसी के आधार पर भारत में पेन की शुरुआत को इससे जोड़कर मानते हैं। आपको बता दें कि यह मोहरे किसी धातु, लकड़ी, बांस, हाथी के दांत या फिर किसी मजबूत पदार्थ की बनी होती थी। वहीं इससे अक्षर लिखने के बाद उसमें एक पाउडर डाल देते थे ताकि शब्द उभर सकें और पढ़ने योग्य दिख सकें। भोज पत्रों या फिर ताम पत्रों में सिर्फ एक ही तरफ लिखवाना मुमकिन था। यह किसी बड़ी चुनौती और मुश्किल काम से कम नहीं था। वहीं अलग अलग पत्रों को इकट्ठा कर बराबर भागों में काटकर पोथी तैयार की जाती थी। रॉक पेंटिंग से भी जुड़ी है कलम की उत्पत्ति। आज से करीब 40,000 साल पहले और ईसा से करीब 25,000 साल पहले दुनिया में नुकीले पत्थरों से लिखने का काम शुरू किया गया था। उस वक्त जो लोग गुफाओं में रहते थे उन्होंने नुकीले पत्थरों से दीवारों पर पेंटिंग की। इस पेंटिंग में उनकी जिंदगी की झलक थी। आपको बता दें कि उनकी यह पेंटिंग खेती और शिकार पर आधारित थी। वहीं यह पेंटिंग दक्षिण पश्चिम के दीवारों पर और नामीबिया पर मिली थी। इनको अब तक की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग भी माना जाता है। मोम की पटल पर लिखने के लिए नुकीले धातु का इस्तेमाल। समय के आगे बढ़ने के साथ साथ लोगों ने पत्थरों से विकसित होना शुरू कर दिया और विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए पत्थरों पर लिखना बंद कर दिया था। कागज के आने से पहले लोग लिखने के लिए मोम की पटल या फिर मिट्टी की पटल का इस्तेमाल करने लगे जिसमें वह कुछ नुकीले धातु का इस्तेमाल करते थे। मिस्र में पेपर जैसी चीज पेपिरस की खोज। 6000 साल पहले मिस्र के लोगों ने पेपर जैसी चीज का आविष्कार किया। इसका नाम पेपिरस रखा। इससे पहले पेपर जैसी किसी चीज की खोज नहीं की गई थी। तब तक वह लिखने के लिए मोम की पटल, क्ले या दीवारों का इस्तेमाल करते थे। आपको बता दें कि पेपर जैसी चीज पेपिरस को बुनाई कर बनाया गया था। यह एक बुनी हुई चट्टाई की तरह था जिसे कूट कर पतले से कड़े कागज का रूप दिया गया। वहीं यूनान के लोग भी इस कागज का इस्तेमाल करते थे जिसे वह जानवरों की चमड़ी से बनी चादरों पर एक विशेष तरह के पेन का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि नुकीली हड्डियां अथवा नुकीले धातु से लिखना इस तरह के कागज पर सही नहीं था,
नुकीली धातु के इस्तेमाल से यह फट सकता था, इसलिए रीड पेन का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से बिना किसी खरोंच के पटल पर शब्दों को आसानी से उकेरा जा सके। इसके बाद लिखने के लिए बांस की पतली लकड़ी का इस्तेमाल किया जाने लगा। बांस के पेड़ की लकड़ी के एक सिरे को नुकीला कर नीब या पॉइंट का रूप दिया गया था। वहीं जब बांस का दूसरे खोखले वाले सिरे में रंग भरकर लिखा जाता था, वहीं यहीं से पेन अपनी वास्तविक रूप से पहचान बनाने लगा था। बाद में इसे ही मिस्र के लोगों ने फाउंटेन पेन का शुरुआती रूप दे दिया। क्विल पेन की खोज, पक्षियों के पंखों से लिखने की शुरुआत। भारत में करीब 1300 साल पहले पक्षियों के पंखों को स्याही या फिर रंग में डुबोकर लिखने की शुरुआत की गई। इसे क्विल पेन कहा गया। इसके लिए हंस का पंख या बत्तख के पंख का इस्तेमाल किया जाता था। आपको बता दें कि हंस के पंख बड़ी मुश्किल से मिलने वाले उच्च कोटि के पंख थे, जो काफी महंगे मिलते थे, जिसका इस्तेमाल साधारण और आम मनुष्य नहीं कर सकता था। इसलिए ज्यादातर लोग लिखने के लिए उस समय बत्तख के पंख का इस्तेमाल करते थे। वहीं सुंदर पेंटिंग बनाने के लिए कौवा के पंख का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद पेरू पक्षी, चील और उल्लू के पंख का भी लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया। इन पक्षियों के पंखों से बने पेन का इस्तेमाल करना काफ़ी महंगा पड़ता था और इसे तैयार करने में भी काफ़ी वक्त लगता था। वहीं इसी दौरान बांस के खोखले हिस्से से में भरने के लिए पक्की स्याही की भी तलाश हुई। आपको बता दें कि कागज़ में गोंद, कतिपय और जड़ी बूटियां समेत अन्य दूसरे फल फूल मिलाकर उन्हें पकाकर काले रंग की स्याही तैयार की जाती थी। फाउंटेन पेन की शुरुआत। फाउंटेन पेन की शुरुआत से पहले पक्षियों के पंख और बांस के पौधों से लिखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। वहीं इसके बाद लोग लिखने के लिए अलग अलग तरीके के पेन बनाने लगे। समय के साथ साथ विकास होता चला गया। लेखन के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ। इसमें लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को भी विकसित किया गया और इस तरह फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया। पैट्रिच पोएनारू ने 1827 में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। वहीं स्पेन में भी कमी पाई गई। दरअसल इससे लिखने के बाद इसकी स्याही बहुत देर बाद सूखती थी। आधुनिक बॉल पेन की शुरुआत। फाउंटेन पेन की स्याही देर से सूखने की परेशानी को दूर करने के लिए साल 1888 में जॉन जे लाउड ने बॉल पेन की शुरुआत की थी। हालांकि यह पेन भी पूरी तरह लिखने के सभी मानकों पर खरी नहीं उतरता था। आपको बता दें, इस पेन में इस्तेमाल होने वाली स्याही के पतले होने की वजह से यह लीक हो जाती थी। इसके करीब 50 साल बाद हंगेरी के रहने वाले लैस ज्लो बीरो ने अपने भाई जॉर्ज के साथ मिलकर बॉल पेन बनाने की शुरुआत की। इस बॉल पेन को बनाने का आइडिया प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही को देखकर आया। दरअसल प्रिंटिंग प्रेस में उपयोग में लाई जाने वाली स्याही काफ़ी जल्दी सूख जाता था। इस तरह बॉल पेन का आविष्कार सफल हुआ और आज लोग लिखने के लिए बॉल पेन का इस्तेमाल करते हैं। बॉल पेन के आविष्कार के शुरुआती दौर में यह काफ़ी महंगा आता था, लेकिन धीरे धीरे इसके रेट कम होते चले गए और आम लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ती गई और अब सभी लोग लिखने के लिए बॉल पेन का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब बाज़ार में स्पार्कल, मार्कर समेत तमाम तरह के पेन मिलते हैं, जिससे की गई लिखावट बेहद सुंदर और आकर्षित लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।